गुड मॉर्निंग बच्चों। कंपोजिट विद्यालय बक्सा जागीर विकास खंड बस्ती सदर जनपद बस्ती की ऑनलाइन कक्षा में मैं आपका शिक्षक राजेश कुमार चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग हिंदी की कक्षा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि पिछले 2 दिन हम लोग ने गणित पढ़ा ना, तो थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी पढ़ेंगे। तो हिंदी में हम लोग श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित विमल इंदु की विशाल किरणें नामक पाठ को पढ़ेंगे। अब जयशंकर प्रसाद कौन है? जयशंकर प्रसाद का जन्म 1890 ईस्वी में हुआ था और इनका देहावसान 1937 ईस्वी में हुआ था। ये हमारे देश के विश्वविख्यात नाटककार, उपन्यासकार, और इन्होंने एक बहुत ही अच्छी महाकाव्य की रचना की है जिसका नाम है कामायनी। इसके अलावा इन्होंने बहुत से नाटक, कहानियां, उपन्यास भी लिखी, जैसे चंद्रगुप्त, कंकाल, तितली इत्यादि। तो पाठ को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम लोग दीक्षा ऐप से एक वीडियो देखेंगे और इस पाठ को समझेंगे। अरे दीदी देखो कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। अरे दीदी देखो तो कितने पहाड़ों के बीच से कितना सुंदर सूरज निकला है। और ये भी देखो कितनी प्यारी प्यारी चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी हैं। दीदी ये सब चीजें किसने बनाई हैं? क्या बातें हो रही हैं तुम लोगों की? कुछ नहीं दीदी, हम लोग इस चित्र को देख के बातें कर रहे थे कि देखिए कितने सुंदर सुंदर इसमें फूल हैं। मैं भी तो पता है एक बहुत सुंदर फूलों की प्रदर्शनी से आ रही हूँ अभी, वहाँ भी बहुत सुंदर सुंदर फूल थे। तुमको पता है किसने बनाया है? जी दीदी। किसने बनाया है? दीदी भगवान ने बनाया है। तुम्हें कैसे पता है सर? अरे बुद्धू तुमने कक्षा 2 में वो कविता नहीं पढ़ी थी जिसने सूरज चांद बनाया? जिसने सूरज चांद बनाया? जी दीदी। तुमने पढ़ा है वो कविता? जी दीदी। तो मुझे सुनाओ, तुम्हें याद है? जी दीदी। अच्छा तो सुनाओ, तुमने भी पढ़ा होगा? जी दीदी। अच्छा तो जरा सुनाओ मुझे वो कविता। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़िया को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे शीश झुकाएं। देखो इस कविता में बताया गया है ना, ईश्वर की महिमा का गुणगान किया गया है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य ने नहीं बनाई, हमने नहीं बनाया, तुमने नहीं बनाया। तो आखिर किसने बनाया इन चीजों को? कौन बनाता है इन चीजों को? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम नहीं बना सकते, बताओ? जैसे चांद, हाँ, तारे, हाँ, और नदियाँ, दीदी पहाड़, हाँ, और तुम बताओ विदुषी? सूरज। ये बहुत सारी चीजें हमारे आसपास ऐसी हैं जिनको हमने नहीं बनाया, लेकिन किसने बनाया है तुम्हें पता है? ईश्वर ने बनाया है ना? इसीलिए तो ईश्वर की महिमा का हम इतना गुणगान करते हैं। प्रकृति के भी बहुत सारी ऐसी ऐसी सुंदर चीजें हैं, जब हम उनको देखते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है, बड़ी अच्छी लगती है वो चीजें। जैसे अभी तुमने फूलों को देखा, तुम्हें अच्छे लगे ना, और उसके बाद में तुमने क्या देखा, सूरज को देखा, वो भी तुम्हें अच्छा लगा। आज मैं तुम्हें एक कविता पढ़ाने जा रही हूँ, उस कविता में भी ऐसा ही कुछ बताया गया है, जो ईश्वर है उनकी महिमा का गुणगान किया गया है। उस कविता का शीर्षक है विमल इंदु की विशाल किरणें, है ना? और इस कविता को लिखा है जयशंकर प्रसाद, वो इसके कवि हैं, रचयिता हैं, उन्होंने इस कविता की रचना की है। तो पहले हम तुम्हें कविता की कुछ पंक्तियां बताएंगे और हम चाहेंगे कि तुम भी उन्हें दोहराओ। विमल इंदु की विशाल किरणें, विमल इंदु की विशाल किरणें, हाँ, प्रकाश तेरा बता रही है, प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया, अनादि तेरी अनंत माया, जगत को लीला दिखा रही है, जगत को लीला दिखा रही है।
विमल माने क्या होता है? पता है किसी को? नहीं। विमल का अर्थ होता है स्वच्छ, है ना? इंदु माने? दीदी चंद्रमा। हाँ, शाबाश। इंदु माने होता है चंद्रमा। तो यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि स्वच्छ चंद्रमा की जो किरणें हैं वो तेरे प्रकाश को क्या कर रही हैं? फैला रही हैं चारों तरफ, है ना? और ये जो प्रकाश, ये जो चांदनी, ये जो रोशनी जो हमको मिल रही है वो तेरी कृपा की तरह हम पर बरस रही है। हम कहते हैं ना ईश्वर बड़ा कृपालु है, है ना? जब कोई अच्छा काम होता है तो तुम भी कहते होगे ना, देखो भगवान क्या है, बहुत दयालु है, हम कहते हैं ना। तो सच में ईश्वर बहुत कृपालु है और उसकी हम पर अनंत कृपा है। फिर आगे कवि क्या कहते हैं? वो कहते हैं अनादि तेरी अनंत माया। अनादि और अनंत किसके लिए कहा गया है? ये शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? ये शब्द ईश्वर के लिए। हाँ, शाबाश, ईश्वर के लिए प्रयोग किए। तेरा न कोई आदि है न कोई अंत है, है ना? ऐसा ईश्वर जो है उसकी माया जो है वो चारों तरफ क्या है, फैली हुई है और उसकी कृपा हम पर हमेशा बरसती रहती है और प्रभु हर क्षण हमको अपनी लीला दिखाता है, है ना? तरह तरह के रूपों में हमारे सामने रहता है। ये सब प्रकृति के जो रूप हैं वो सब किसके रूप हैं? ईश्वर के ही तो हैं। तभी तो हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, है ना? ईश्वर हर जगह है, हर चीज में है, प्रकृति के कण कण में है। अब आगे जो कविता की लाइनें हैं हम उनको लें, ठीक है? हम बोलते हैं, तुम फिर एक बार दोहराना। प्रसार तेरी दया का कितना, प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर, ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मालाएं गा रही है, तरंग मालाएं गा रही है। अब आगे ये कहता है कवि कि तेरी दया जो है वो इतनी विशाल है, उसका इतना विस्तार है जैसे समुद्र। कभी तुम लोगों ने समुद्र देखा है? देखा है? नहीं देखा तुमने? कभी उसकी कोई फोटो देखी होगी, कहीं देखा होगा? देखा है ना? छोटा होता है समुद्र, कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, है ना? उसका ओर छोड़ तुम्हें कुछ पता नहीं चलता जब तुम देखते हो। तो उसी तरह ईश्वर की जो कृपा है वो भी बहुत विशाल होती है, अनंत होती है, उसका कोई ओर छोर नहीं होता है। अगर तुम्हें देखना है कि उसकी कृपा का कितना विस्तार है, वो हम पे कितनी कृपा करता है, तो जिस तरह सागर है अनंत, यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ है, उसी तरह प्रभु की, ईश्वर की कृपा भी हम पर उसी तरह क्या होती है, बरसती है, उसका भी कोई ओर छोर नहीं है। आगे कवि कहता है कि तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रहे हैं। ये तरंग मालाएं का अर्थ क्या? तरंग मालाएं हो गई समुद्र की वो लहरें, वो तरंगे जो उछल उछल कर, तुमने तो कभी देखा है समुद्र की लहरें आती हैं फिर वापस चली जाती हैं, उछलती रहती हैं इस तरह से। तो कवि यहाँ पर एक कल्पना कर रहा है कि वो तरंग मालाएं जो हैं वो उछल उछल कर, समुद्र की लहरें जो हैं वो तेरी क्या कर रही हैं, यशोगान कर रही हैं, ठीक है? तेरी जो यश है, जो यश की गाथा है, उसे बता रही है, खुश हो रही है, आह्लादित हो रही है, आनंदित हो रही है, ठीक है? फिर अब आगे की पंक्तियां हम लेते हैं। ये समझ में आ गया तुम लोग को, है ना, कि कितनी उसकी दया का विस्तार है? अगर उसकी दया का विस्तार हमें देखना है तो हमें किसे देखना चाहिए? सागर को, सागर को देखना चाहिए, समुद्र को देखना चाहिए। अब आगे कवि कहता है तुम्हारी स्मित हो जिसे निरखना, तुम्हारी स्मित हो जिसे निरखना, हाँ, वो देख सकता है चंद्रिका को, वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं, निनाद करती ही जा रही हैं। अब जो कवि है वो प्रकृति के कण कण में ईश्वर को देख रहा है। कैसे देख रहा है? वो कहता है अगर तुम्हारी स्मित, स्मित का अर्थ पता है क्या होता है? नहीं पता। स्मित का अर्थ होता है मुस्कान। अगर तुम्हारी मुस्कुराहट किसी को देखना हो तो वो कहाँ देखे? किसमें बोल रहा है वो? चंद्रिका। चंद्रिका माने चांदनी। शाबाश, मतलब चांदनी में तुम्हारी मुस्कुराहट को देखे,
ठीक है, जो चांदनी सर्वत्र बिखरी रहती है। कभी तुमने देखा हो चांदनी जब रात रहती है तो जो रोशनी पड़ती है वो कितनी सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती है ना। तो कवि यहाँ क्या कल्पना कर रहा है कि वो क्या है, ईश्वर की क्या है, नहीं मुस्कुराहट है ना। वो चांदनी जो चारों तरफ बिखरी हुई है वो ईश्वर की ही मुस्कुराहट है। आगे वो कहता है तुम्हारी हंसी जो है वो नदियाँ जब कलकल करती हैं बहती हैं तो ऐसा लगता है मानो ईश्वर क्या कर रहा हो, हंस रहा। तो चांदनी में उसने क्या देखा, ईश्वर की मुस्कुराहट। हाँ, और नदियों की कलकलाहट में क्या देखा, जब नदियाँ कलकल करती हैं उस वो ईश्वर हंस रहा। ऐसा कवि कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम सर्वत्र हो, चारों तरफ हो, प्रकृति के कण कण में हो, हर तरफ वो ईश्वर को देख रहा है। अब आगे की पंक्तियां लेते हैं। कवि कहता है जो तेरी होवे दया दया निधि। बोलो तुम लोग उस पंक्ति को, हम जो तेरी होवे दया दया निधि तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है, यही तो आशा दिला रही है। अब ईश्वर को यहाँ पर कवि ने कहा है दया निधि। हम ईश्वर को बहुत नामों से बुलाते हैं, दया निधि, करुणा निधि, है ना। तुम क्यों, क्योंकि ईश्वर हम पर दया करता है ना, करुणा करता है, वो दया का भंडार है, करुणा का सागर है हम कहते हैं। तो अब कवि ये कह रहा है कि हे ईश्वर, अगर जिस पर तेरी अनुकंपा हो गई, कृपा हो गई, जिस पर तूने दया कर दिया, उस व्यक्ति का क्या हो जाता है, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। शाबाश, मनोरथ माने इच्छाएं, मनोकामनाएं जो भी हैं वो सब क्या हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। इसीलिए सब तुझे पुकारते हैं और अपनी कामनाएं बताते हैं, और फिर ईश्वर उनको, अगर हम कहते हैं ना कि अगर ईश्वर को हम क्या कहा जाता है, सच्चे दिल से पुकारें तो ईश्वर आता है। जब तुम्हारी परीक्षा पास आती है तो तुम लोग क्या करते हो, क्या कहते हो भगवान से, ईश्वर को याद करते तो हो, और कहते क्या हो भगवान से, भगवान हमें अच्छे नंबर आ जाए। हाँ, अच्छे नंबर आ जाए। तो इसी तरह हर व्यक्ति मुसीबत में जब रहता है, परेशानी में जब रहता है, तो भगवान को याद करता है। अब समझ में। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा? अब हम आते हैं अपने होमवर्क पे। तो होमवर्क में आपको सबसे पहले पाठ का नाम लिखना है, ऐसे हम ऐसे कॉपी में लिखेंगे, पहले हम पाठ का नाम डालेंगे, पाठ एक, फिर पाठ का नाम काले पेन से, विमल इंद की विशाल किरणें, फिर काले पेन से एक किनारे हम शब्द लिखेंगे बाई तरफ, और दाहिनी तरफ हम उसका अर्थ लिखेंगे, बीच में एक लाइन काले पेन से खींच देंगे या फिर पेंसिल से खींच देंगे। अब हम क्या करेंगे, अभी किताब किताब के आपको पेज पाठ एक आपको अभी मिल जाएगा, नीचे इमेज में फोटो आपको आएगी, उस फोटो में आपका पाठ एक पूरा दिया होगा, उसमें शब्द अर्थ भी दिया होगा। तो उसमें से आपको करना क्या है कि आप बाई तरफ शब्द लिखेंगे इसे अनादि है, और दाहिनी तरफ अनादि का क्या अर्थ होगा ये आप लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही जितने भी आपके शब्द हैं वो आप बाई तरफ लिखते जाएंगे नीले पेन से, और उसका अर्थ जो होगा वो दाहिनी तरफ लिखे जाएंगे। तो आज आपका होमवर्क सिर्फ इतना है कि आपको विमल इंदु की विशाल किरणें, ये पाठ, ये कविता जो है, ये कविता आपको याद करनी है, और जितने भी शब्द अर्थ इसमें दिए हुए हैं वो शब्द अर्थ लिखने हैं, ठीक है। तो शब्द अर्थ आपको लिख के हमको व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप पे भेज देना है, जो आपका कक्षा 5 का व्हाट्सएप ग्रुप है, और जो कविता आप याद करेंगे आप उसको रिकॉर्ड करके भी उसी ग्रुप में डाल सकते हैं अपनी आवाज में कि सर हमको याद हो गया है और ये हमको अच्छे से आता है, ठीक है। तो आज का आपकी क्लास, आपकी हिंदी की क्लास यही खत्म होती है आज की। गुड बाय बच्चों।